12 अक्टूबर के दिन टीम बन्ना के मेंबर प्रशांत भूषण पर तीन लड़कों ने हमला बोला। इन तीन लड़कों में से एक लड़के का चेहरा कोई नहीं भूल सकता, यह था इंदर वर्मा। वो इंदर वर्मा ही था जो टीवी कैमरे के सामने प्रशांत पर हमला कर रहा था। वो इंदर वर्मा ही था जिसे प्रशांत भूषण के सुप्रीम कोर्ट के चैंबर से पकड़ा गया। इंदर वर्मा ने किसके कहने पर हमला किया था? क्या प्रशांत भूषण पर हमला करने के लिए इंदर वर्मा को पैसे दिए गए थे? अब इंदर वर्मा ही बताने वाला है 10 दिसंबर को क्या होने वाला है। देखिए इंदर वर्मा का पूरा स्टिंग ऑपरेशन। निरुलास रेस्टोरेंट, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, तारीख 24 अक्टूबर। इंडिया टीवी की टीम ने इंदर वर्मा से बातचीत करने के लिए उसे कनॉट प्लेस के एक रेस्टोरेंट में बुलाया। इंदर के साथ उसका एक दोस्त अरुण उपाध्याय भी आया। अरुण उपाध्याय का नाम भी प्रशांत भूषण के हमले में सामने आया था। क्या प्रशांत भूषण पर हमला कांग्रेस पार्टी ने करवाया? क्या कोई कांग्रेसी नेता इस हमले के पीछे था? या फिर ये बीजेपी की साजिश है? ये सच भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले सुनिए एक चौंकाने वाला खुलासा। अन्ना का मुंह काला होगा। मतलब अन्ना टारगेट पे है, लेकिन यह वक्त की बात। अगर वो गुनहगार उस तरह से हम साबित कर पाते हैं तो उनको टारगेट करने के लिए हमें सबको जनता को दुश्मन नहीं बनाना है, ठीक है। हमें जनता को पहले क्लियर करना पड़ेगा ना कि ये सच्चाई है इस आदमी की। जनता हमारे साथ जाकर उसे टारगेट करे ना। हम लोगों की कोई नहीं स्ट्रेटेजी है, वो ये रही कि उनको मारना है पब्लिक से। नहीं, ऐसा हमने क्या नहीं काला करना है। हाँ, कारण बताने, सम्मान बताने, सम्मान के साथ मुकाबला। ये अन्ना और उनकी पूरी टीम के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। दूसरा बड़ा खुलासा मेधा पाटेकर पर होगा हमला। इंदर और उसके साथी अरुण ने बताया कि अगले महीने की 10 दिसंबर को मेधा पाटेकर पर हमला होगा, और इस बार मेधा पाटेकर पर हमला करने वालों में महिलाओं की एक ब्रिगेड काम करेगी। अभी आज तो नहीं करेंगे, अभी भविष्य में करेंगे। ऐसा है, कितने दिन में करोगे? ये दिसंबर अपने जिला अगला ना, 10 दिसंबर ही इनका अगला टारगेट है। अभी तक क्या था कि अभी तक हम लोगों ने जो किया, अभी हम लोग इनके खिलाफ ना आर्ग्यूमेंट तैयार कर रहे हैं। बचपन में हमें ये सिखाया गया था कि जो कश्मीर में हिमालय है, उत्तर में हमारे देश की रक्षा करता है, ये तो हमें नॉर्मल सी भावना यह है कि अगर इस कश्मीर पर अगर कोई रक्षा करने वाले को अपने कब्जे में लेके हमारे देश की सरहदों को कमजोर करना चाहता है तो वो सबसे बड़ा हमारे लिए इशू है, और उसके लिए हम किसी को भी मारने के लिए तैयार रहेंगे। 10 तारीख को जो बोल रहे हैं आप, प्रोग्राम है क्या? मतलब इन लोगों में कुछ प्रोग्राम है क्या? वो खैर आपको पता लग जाएगा, वो बात की बात। अरे खैर, हम लोग तो अपनी उसके लिए कर रहे हैं। 10 तारीख को इन लोगों को किरण बेदी लोगों का प्रोग्राम, किरण बेदी का नहीं, मेधा पाटेकर जो आप आने की बात कर रहे हैं, जैसे इसमें कई सारे आर्ग्यूमेंट है। जिस कश्मीरियत की ये बात करते हैं वो 650 वर्ष पुरानी है। कश्मीरियत का मतलब है 7%। उन्होंने 10 दिसंबर मेधा पाटेकर थप्पड़ लिए तैयार हैं तो मिलने के लिए। हाँ, उनका महिला ही बताना मत दीजिए, लेकिन महिलाएं रहेंगी हमारे साथ ही। महिलाएं रहेंगी, अच्छा, हमारी महिलाओं की टीम भी है।